प्रियंका मार लेंगी बाजी और एमसी स्टैन और शिव ठाकरे जो है वो आपस में लड़ेंगे। आखिर क्यों ये सारी चीजें और ये सारी बातें सामने आ रही हैं एमसी स्टैन, शिव ठाकरे और प्रियंका चहार चौधरी को लेकर, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रियंका चहार चौधरी और शिव ठाकरे ये दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको बिग बॉस सबसे ज़्यादा, मतलब बिग बॉस की जो जनता है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है, सबसे ज़्यादा प्यार दे रही है और खुल कर, मतलब एकदम दिल फेंक प्यार दे रही है। और प्रियंका चहार चौधरी जब से अंकित गुप्ता बिग बॉस के घर से गए हैं, ये तो आज भी खुलासा इसी चीज़ का होगा कि वो लॉस्ट हो चुकी थी कहीं ना कहीं। उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और एक एक दिमाग में उनके बहुत ख्याल अलग अलग आ रहे थे। और वही बात करें शिव ठाकरे की, तो बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, ओपिनियटेड पर्सन है, अपने मुद्दे रखना जानते हैं और अभी तक इनका गेम जो है ना लॉस्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी कुछ हफ्तों में जब सलमान खान आए, सलमान खान ने इनको बोला कि शिव हवा लग गया है क्या, तुमको लोग बोल रहे हैं टॉप फोर जा रहे हो तो तुम बिग बॉस के घर से गायब हो रहे हो, तुम्हारा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है बिग बॉस के घर में। नहीं तो एक मूवमेंट ऐसा था, एक टाइम ऐसा था जहाँ पर लोग तुम्हारे ओपिनियन का इंतजार करते थे, तुम्हारी बातों का इंतजार करते थे। आखिर कहाँ हो तुम, कहाँ गायब हो गए? और वहीं स्टैन की बात करें तो भाई स्टैन ने बोलते ना कि इतना वक्त उनको, स्टैन को ना बहुत लोगों ने हेट किया, बहुत लोगों ने अलग अलग बातें बोली उनको लेकर, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि स्टैन ने आखिरकार सबके दिलों में जगह बना ही ली। तो एक ऐसा ही आज न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था जो मैं सुबह पढ़ रहा था तभी, तो एक बोलते ना कि वो एक ट्वीट था जिसमें लिखा था ऐसा कि बिग बॉस देंगे एक बड़ा धमाका, 12 फरवरी को हो जाएंगे सब शॉक। और उसके बाद क्या लिख के आया पता है, फर्स्ट विनर एमसी स्टैन और रनर अप प्रियंका चहार चौधरी। लेकिन अब जब दोबारा से मैं ट्विटर पर खोलकर ये सारे आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो एक ट्वीट था और जनता की भी यही राय थी, और उसमें जनता जो है उस वो जो स्टेटमेंट लिखा था, वो जो बातें लिखी थी उस पर अग्री कर रही थी। आप सब जानते हैं कि फिनाले पास आ रहा है, तो जैसे जैसे फिनाले पास आ रहा है ना, कंटेस्टेंट से ज़्यादा एक्स कंटेस्टेंट्स और जो जनता जनार्दन है ना, जिनको बिग बॉस पसंद है, जो बिग बॉस के फैंस हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया पर हो, वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं खुलकर। तो अभी एक ऐसा ही ट्वीट मैंने देखा जस्ट, और उस पर जनता अपनी राय रख रही थी और बोलती है सही बात करके ऐसा लिख रहे थे। वो ट्वीट में लिखा था कि प्रियंका जो है ना उनका विनर वाला स्पॉट फिक्स हो गया है, लेकिन अब लड़ाई है शिव और स्टैन में सेकेंड स्पॉट के लिए। क्योंकि देखो टॉप थ्री ना बिग बॉस की अगर आप प्रिडिक्ट करोगे तो यही नाम होगा, पहला प्रियंका, दूसरा शिव, तीसरा स्टैन, यही टॉप थ्री बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शिव और स्टैन में ना आखिरकार कांटे की टक्कर होने वाली है, ये दोनों को आपस में भिड़ना पड़ेगा, चाहे कितना भी भाई भाई दोस्त मंडली मंडली कर लें, एट लास्ट इनको ट्रॉफी के लिए लड़ना तो पड़ेगा ही आमने सामने आके। तो इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर, और इसी तरीके की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।